तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आपका डिस्क्रीट किसी भी खास वैल्यू पे डिफाइंड होगा, हर एक पॉइंट पे इसका वैल्यू नहीं होगा, जो कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में हम लोग क्या देखे, हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा था, लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में किसी खास पॉइंट पे इसका वैल्यू होगा और अदर जगह इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को एक्स ऑफ एन से डिनोट करते हैं, वही हम लोग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में क्या देखे, एक्स ऑफ टी से हम लोग डिनोट कर रहे थे और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम लोग एक्स ऑफ एन से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम लोग इस ग्राफ को अच्छे तरह से देखें तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका वाई एक्सिस पे एक्स ऑफ एन है, एक्स एक्सिस पे हम लोग एन से डिनोट किए थे। अगर हम लोग कंपेरिजन करें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से तो हम लोग एक्स एक्सिस पे स्मॉल टी से डिनोट किए थे और वाई एक्सिस को एक्स ऑफ टी से डिनोट किए थे। वही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम लोग एन से, स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं और वाई एक्सिस को एक्स ऑफ एन से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किसी खास पॉइंट पे ही डिफाइंड है, जैसे कि एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ टू पे इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। अगर वही हम लोग बीच में करें या किसी भी पॉइंट पे एक्सेप्ट एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ टू, एक्स ऑफ माइनस वन, एक्स ऑफ माइनस टू, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है, किसी खास पॉइंट पे ही डिफाइंड होगा। यही दो सिग्नल आपका मेन है, इसी को हम लोग फिर फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का एप्लीकेशन हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म में देखेंगे और इन्वर्स लैपलास में देखेंगे, वही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का हम लोग एप्लीकेशन जेड ट्रांसफॉर्म में देखेंगे। तो ये दो है, यही दो सिग्नल को क्या किए हैं, फिर हम लोग फर्दर डिफाइंड किए हैं। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड किए हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को फिर हम लोग डिफाइंड किए, तो चार भाग में हम लोग डिफाइंड किए। पहला है आपका पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल, दूसरा है आपका इवन एंड ऑड सिग्नल, तीसरा है आपका एनर्जी एंड पावर सिग्नल, चौथा है आपका डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल को हम लोग रैंडम सिग्नल भी बोलते हैं। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ये जो आपका चारों सिग्नल है, मीन्स पीरियोडिक एंड ए नॉन पीरियोडिक सिग्नल, इवन एंड ऑड सिग्नल, एनर्जी एंड पावर सिग्नल, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, ये आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए भी होगा और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी होगा। तो हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे। तो अगर हम लोग पीरियोडिक सिग्नल का बात करें तो पीरियोडिक सिग्नल नाम से ही क्लियर है, किसी खास पीरियड के बाद ये रिपीट होता है। कह रहा है ए सिग्नल विच रिपीट्स इट सेल्फ आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियोडिक सिग्नल। कह रहा है ऐसा सिग्नल जो किसी फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो, जैसे कि सपोज कीजिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, अगर 15 किलोमीटर का सफ़र है तो अगर वो पीरियोडिक नेचर का होगा तो हर एक 3 किलोमीटर, अगर हम लोग 3 किलोमीटर का ले तो 3, 6, 9, 12 और 15 मीन्स हर एक 3 किलोमीटर के बाद क्या होगा, वो रिपीट होगा। तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक सिग्नल, जो किसी खास टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो। ये नहीं जो 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, तो ये आपका पीरियोडिक नेचर का नहीं है। पीरियोडिक में क्या होगा, उसका जो आपका डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, मीन्स 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह का जो नेचर होगा तो उसको हम लोग पीरियोडिक बोलेंगे, जो किसी खास पीरियड के बाद रिपीट हो। अगर हम लोग एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे देखिए एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट, ये टी नॉट जो है ये आपका पीरियड है, एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका पीरियड है, जो कि टी नॉट से क्या होता है, वो आफ्टर टी नॉट ये रिपीट होगा। तो कह रहा है वेयर टी नॉट इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी का पीरियड है टी नॉट, सिग्नल एक्स ऑफ टी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए पीरियड ऑफ टी नॉट सेकेंड, टी नॉट सेकेंड के बाद क्या होता है आपका सिग्नल एक्स ऑफ टी जो है वो रिपीट होता है। अगर हम लोग ये ग्राफ को देखें तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका सिनुसाइडल वेव है, जिसको देखिए ये एक कंप्लीट साइकिल में टी नॉट है, फिर क्या है ये सेम वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर आफ्टर 2 टी नॉट, इसी तरह 3 टी नॉट, 4 टी नॉट, 5 टी नॉट, 6 टी नॉट, इस तरह से ये रिपीट करेगा।
मीन्स सेम तरह का वेव को बनाएगा। तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग पीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे, जो किसी खास पीरियड के बाद रिपीट हो। वही हम लोग सेकेंड है आपका नॉन पीरियोडिक सिग्नल। नॉन पीरियोडिक सिग्नल को हम लोग ए पीरियोडिक सिग्नल भी बोलते हैं। तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, कह रहा है ए सिग्नल विच डज नॉट रिपीट इट्सेल्फ आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड और डज नॉट रिपीट एट ऑल इज कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक और ए पीरियोडिक सिग्नल। कहने का मतलब है नॉन पीरियोडिक सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जो किसी खास पीरियड के बाद रिपीट नहीं होता है या ओवरऑल रिपीट होता ही नहीं है। ये आपका पीरियोडिक नेचर का नहीं होगा, ये किसी खास, जैसे कि हम 15 किलोमीटर का ही जो एग्जांपल लिए थे, जैसे कि 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, तो इस तरह का जो नेचर है ये ए पीरियोडिक नेचर है। तो ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या है, आपका रिपीट ही नहीं होता है, वो पीरियोडिक नेचर का नहीं होगा। अगर हम लोग इस एग्जांपल को देखें तो ये देखिए आपका कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये आपका पीरियोडिक नेचर का नहीं है। इसका वैल्यू क्या है, ये अलग अलग वैल्यू आ रहा है डिफरेंट पॉइंट पे, इसका वैल्यू अलग अलग रहा है। तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग नॉन पीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे। ये आपका पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में फिर हम लोग इवन एंड ऑड सिग्नल देखेंगे, इनर्जी एंड पावर सिग्नल देखेंगे, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल देखेंगे। थैंक यू।